हेलो एवरीबॉडी इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं देखिए किसी भी स्पेसीज को अर्थ के ऊपर जीने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है जैसे कि अब हमारी एग्जांपल ले लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स को अगर अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करना है तो उन्हें नेचर नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज या फिर बोल दो कि खुद से बनाए हुए रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है तो जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी होती है जो नेचर हमको देती है हमारी लाइफ को जीने के लिए तो सबसे पहले जो देती है वो देती है लैंड क्यों लैंड के ऊपर हम क्या करते हैं आपको पता है एग्रीकल्चर जो होती है वो भी लैंड के ऊपर होती है फॉर बोल सकते हो कि जितना भी हमें फूड मिलता है वो लैंड के ऊपर ही मिलता है लैंड की वजह से ही मिलता है दूसरी चीज़ होती है वाटर देखिए वाटर बहुत ज़रूरी है ठीक है तो वाटर हमें नेचर से मिलता है हम आर्टिफिशली वाटर को नहीं बना सकते हैं ठीक है तो जो हम पीते हैं पानी वो भी हम नेचर से लेते हैं तीसरी चीज़ हम ब्रीदिंग करते हैं मतलब कि सांस लेते हैं तो हम एयर से लेते हैं तो वो एयर कहाँ से मिलती है हमें हम एयर को तो आर्टिफिशियली नहीं बना सकते तो वो भी हमें नेचर से मिलती है तो ऐसी चीज़ें जो नेचर से हमें मिलती हैं हम खुद नहीं बनाते हैं उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं और हम इस चैप्टर में हम एक एक नेचुरल रिसोर्स को डिटेल में जाके डेप्थ में जाके देखते हैं तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है सबसे पहले हम पहले नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे जो कि आपका एयर ठीक है ब्रीथ ऑफ लाइफ अब इसका मतलब क्या है एयर एयर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस आती है तो हम उसी गैस के कंपोजिशन को पढ़ेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मिलती है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज आती हैं तो यहाँ पर मैंने एक पाईचार्ट से दिखाया हुआ है सेवेंटी नाइट्रोजन मिलती है हमको ऐसा लगता है कि यार मैक्सिमम नंबर में आपको ऑक्सीजन ही मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है हमें सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट में जो गैस नेचर में रहती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन उसके बाद में ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट ऑक्सीजन रहती है उसके बाद में आपकी आर्गन गैस होती है जीरो पॉइंट नाइन जीरो परसेंट ठीक है उसके बाद में अदर गैसेजीरो पॉइंट वन सेवन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एक्जैल करते हैं और अदर गैसेस में कौन सी हाइड्रोजन हीलियम ये सारी गैसेस ऐसी हैं जो कि अदर गैसेस में आती हैं तो अगर कोई मेजर कॉम्पोजिशन बोले तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही आपका मेजर कॉम्पोजिशन होता है एयर का तो याद रहेगा ये कि एयर को के कॉम्पोजिशन कौन कौन से होते हैं और एयर किस किस गैस से मिल बनी होती है तो नाइट्रोजन प्रजेंट होती है सेवेंटी और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है आपके एयर के अंदर 20.9 परसेंट आप इसको 21 परसेंट भी बोल सकते हो अप्रोक्समेट अप्रोक्सीमेटली तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है एयर के ये कम्पोजिशंस हैं मेजर कंपोजिशंस अब हम और डेप्थ में बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि एटमोसफेयर है ना एटमोसफेयर क्या होता है और एटमोसफेयर का रोल क्या है वॉट इज द रोल ऑफ एटमोस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल अगर मैं एक एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो ये होगा कि ये बताओ कि एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही क्या होता है ठीक है अब एटमॉस्फेयर का फ़ायदा क्या है बेनिफिट क्या है तो एटमॉसफेयर का जो बेनिफिट है वो है कि ये जो एटमोसफेयर है वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के ऊपर आप बोलोगे कैसे ब्लैंकेट की तरह है? इसको देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल मैं दो प्लानिट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक अर्थ है आपका और एक सैटेलाइट जिसको मून बोलते हैं उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ ठीक है जहाँ पे आपका एटमॉसफेयर प्रजेंट है वो है आपका अर्थ ठीक है और जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है या बहुत कम प्रेजेंट है उसका एग्जांपल ले लिया मैंने मून ठीक है ये आपका अर्थ है ये आपका मून है अब दोनों पे सनलाइट आती है और दोनों दोनों पे ही रात होती है ठीक है तो अब क्या होगा देखिए ध्यान से अगर सनलाइट अर्थ के ऊपर आती है तो अर्थ से पहले उसे किससे गुजरना पड़ेगा एटमोसफेयर से गुजरना पड़ेगा अब एटमोसफेयर इसके ऊपर एक लेयर बना के रखता है बोल सकते हो एक ब्लैंकेट की तरह होता है तो जब आपकी सनलाइट एंटर करेगी तो वो धीरे 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 पार्टिकल्स को गर्म करती हुई फिर तब जाके वो अर्थ को गर्म कर पाएगी लेकिन मून के केस में जब अगर सनलाइट आएगी मून के ऊपर सनलाइट आएगी तो सीधा वो मून के सरफेस को गर्म करेगी सीधा मून के सरफेस को गर्म करेगी और जब सन sun, सनसेट होगा तो मून दोबारा से ठंडा हो जाएगा अब इससे क्या होगा जो मून का जो टेम्परेचर होता है वो रात के टाइम पे माइनस वन नाइन्टी डिग्री हो जाता है सोचने की बात है वन माइनस वन नाइन्टी डिग्री इतना ठंडा हो जाता है और दिन के टाइम पे हो जाता है आपका वन वन जीरो डिग्री सेल्सियस तो वन वन जीरो डिग्री सेल्सियस का मतलब समझते हो सौ से भी ऊपर इतना डिग्री सेल्सियस मून का सरफेस हो जाता है डे टाइम पे है ना दिस इज टेम्परेचर एट डे टाइम और ये होता है आपका नाइट में ठीक है लेकिन अर्थ का अगर इतना टेम्परेचर हो जाए तो इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल है मतलब नामुमकिन के बराबर है तो एक तरीके से एटमोसफेयर किसका काम करा है ब्लैंकेट का जो कि क्या करता है आपके जो सन से आने वाली सन लाइट है उसके टेम्परेचर को मेनटेन करके रखता है तो आप बोल सकते हो कि एयर जो है वो क्या है एक बैड कंडक्टर है किसकी ए, आपके हीट की तो वो हीट को ज़्यादा पहुंचने देती नहीं है आपके अर्थ सरफेस के ऊपर तो दिस इज़ द रीज़न कि एटमोस्फेयर होना ज़रूरी है तो समझ आया एटमोसफियर क्या आट्मोस्थेर आपका ब्लैंकेट की तरह कैसे काम करता है नेक्स्ट थिंग विच वी विल लर्न विच इज़ द विंड्स है ना विंड क्या होती है ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि विंड्स होती क्या है और विंड्स कैसे चलती हैं और विंड्स होने का फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है सब कुछ देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि विंड होती क्या है तो जो हवा होती है तो आप बोल सकते हवा हो हवाओं की अगर स्पीड तेज़ हो जाएगी तो उसको हम विंड बोलते हैं अगर एयर आराम से चल रही है तो उसको तो एयर ही बोलेंगे लेकिन हवा की स्पीड अगर बहुत तेज़ हो जाएगी तो उसको हम विंड बोलेंगे अब दिमाग में आना चाहिए कि यार विंड क्रिएट ही क्यों होती है तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ ये एक आपका वाटर बॉडी है ये कोई आपका वाटर बॉडी है यहाँ पे मान लो ये एक रिजर्वर है जहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये एक लैंड पार्ट है ठीक है ये लैंड पार्ट है ये आपका वाटर पार्ट है ठीक है आपको ये जो विंड्स हैं वो मैक्सिमम वहां देखने को मिलेंगी जहां पे लैंड एंड वाटर ज्यादा होता है मतलब वाटर और लैंड एग्जिस्ट करते हैं दोनों ही अब क्या होता है ध्यान से देखना बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि विंड्स uh, क्रिएट क्यों होती है वो कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर देखने वाले हैं तो क्या होता है दिन के टाइम पे दिन के टाइम पे क्या होता है दिन के टाइम पे क्या होता है देखो दिन के टाइम पे, पे सनलाइट रहती है सनलाइट रहने की वजह से सनलाइट आती है और इस वाटर को क्या करती है गर्म करती है गर्म करके वाटर क्या होता है वेपर में कन्वर्ट होता है और पानी का जो रिजर्वर है उसके ऊपर की जो एयर होती है उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी चले जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि वाटर के वाटर बॉडी के ऊपर की एयर कैसी हो जाती है डेंस डेंस मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे हाई प्रेशर और लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स अब क्या होगा कि कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करना चाहेगी देखो कोई भी फ्लूड होगा कोई भी फ्लूड होगा जो फ्लो कर सकता है वो हाई प्रेशर से याद रखना कोई भी फ्लूड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना चाहता है ऐसा ही क्यों देखिए मैं समझाता हूँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे मूव करता है आपने देखा होगा जो पंप काम करते हैं आपके जो वाटर पंप काम करता है उसके अंदर भी तो यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि पहले एक हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है और एक साइड पे लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वैक्यूम इज़ अ हाई प्रेशर लो प्रेशर जहाँ से पानी निकले तो जो फ्लूड होता है वो हाई प्रेशर से खींचता है और लो प्रेशर से बाहर निकल जाता है तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एयर है जो रिजर्वेयर के ऊपर है वो डेंस होने की वजह से हाईली प्रेशराइज एयर होती है अब क्या होगा कि जो एयर है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी तो बोल सकते हो कि डे टाइम पे जो एयर है वो स्पीड से वाटर बॉडी के ऊपर से लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है तो जो विंड्स होती हैं वो डे टाइम पे पानी से लैंड की तरफ चलती हैं और अगर मैं रात रात की बात करूँ नाइट की बात करूँ तो जो विंड्स हैं वो उल्टी चलती हैं लैंड से और वाटर बॉडी के ऊपर तो आपको समझ आया है कि विंड्स चलती क्यों है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की वजह से और हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है डे टाइम पे हाई प्रेशर होता है पानी के ऊपर और नाइट में होता है लैंड के ऊपर इस तरीके से हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से विंड्स चलना स्टार्ट कर देती है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विंड नेक्स्ट हम बात करेंगे ये एयर की पूरी बातें होगी अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि होती है आपकी एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है देखो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है देखो एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेसिक पॉइंट क्या है बहुत छोटा सा पॉइंट है हम दिन आ, आए दिन सुनते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में तो एयर पॉल्यूशन का मतलब अगर आपकी जो एयर है आपके सोसाइटी की आपके सिटी की आपके टाउन की आपके विलेज की जो एयर है उसके अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि आपके लिए अच्छी ना हो तो उसको कंटामिनेट कर दे मतलब कंटामिनेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी जहरीली चीज़ आके आपके एयर में मिल जाना अब किन किन रीजंस की वजह से मिल सकती है हो सकता है आपके सिटी के पास में आपके टाउन के पास में कोई ऐसी फैक्ट्री चलती हो जहाँ से वो जहरीली गैस निकलती हो पॉइजनस गैस रिलीज होती हो या हो सकता है आपके सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हो या आपके टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हो तो ऐसी चीज़ें जो कि कंटामिनेटेड एयर को प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हों वो ज़्यादा अगर यूज़ होंगी तो आपका एयर क्या होगा पॉल्यूट होगा सीधी बात है एयर है नॉर्मल एयर है उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको सूट ना करे ऐसी चीज़ आके मिल जाती है हवा में तो आपकी जो एयर है वो क्या होगी पॉल्यूट होगी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एयर तो पॉल्यूशन से बचने के लिए भाई हमें जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो दूर बनानी चाहिए और व्हीकल्स है वो हमें सी एन जी यूज़ करना चाहिए मैक्सिमम और और क्या कर सकते हैं हमें मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए या फिर ऐसी गैसेस यूज़ नहीं करनी चाहिए फैक्ट्रीज में जो कि कंटामिनेट कर दे आपकी एयर को तो एयर पॉल्यूशन के ऊपर तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हो तो इतना समझना जरूरी कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं आपका एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है देखो ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट इस चैप्टर का तो दिमाग में आना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही क्या है ठीक है इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों पड़ा हुआ है ठीक है बार बार आपने इसको सुना भी होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका मतलब क्या है यार तो आज हम इसको देख लेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या है देखिए क्या होता है मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर इसको समझाऊँ तो आपकी जो अर्थ होती है ये आपकी अर्थ है ठीक है इस अर्थ के ऊपर क्या होता है बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती है अब बहुत सारी गैसेस रिलीज होने की वजह से आपकी जो एक गैस होती है जिसका नाम होता है कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है कार्बन डाई ऑक्साइड सॉरी सी ओ टू कार्बन डाई ऑक्साइड ये गैस अगर रिलीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो ये एक लेयर बना लेती है कैसे ऐसे अर्थ के ऊपर एक लेयर बना लेती है और ये लेयर बहुत ख़तरनाक हो जाती है अर्थ के लिए क्यों क्योंकि ये एक लेयर बन जाती है उससे क्या होता है अर्थ से अर्थ पे आने वाली जितनी भी सन की रेज होती हैं या बोल दो सन की हीट होती है वो अंदर तो आ जाती है आराम से लेकिन जो हीट है वो बाहर जानी चाहिए थी वापस आ, आप बोल सकते हो यूनिवर्स में या बोल सकते हो कि उस लेयर से बाहर निकलनी चाहिए थी जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेनटेन हो सके तो वो टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाता है अंदर ही रह जाता है तो इसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका ग्लोब है ग्लोब मतलब अर्थ वो वार्म हो रहा है तो इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग तो आप बोल सकते हो कि इसी फिनोमिना को आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं अब दिमाग में आता है कि इसको ग्रीन हाउस क्यों बोला ग्रीन हाउस क्यों बोला क्योंकि जो आपके ग्रीन हाउस अब आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या होते हैं ग्रीन हाउस क्या होते हैं तो जितने भी ठंडे इलाके होते हैं ना जैसे जम्मू एंड कश्मीर है ना इन जगह क्या होता है कि आपको अगर कुछ भी वेजिटेबल वगैरह अगर आपको ग्रो करना है उगाना है तो वहाँ पे पहले क्या किया जाता है एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया जाता है एक एक ऐसे इस तरीके से ग्रीन हाउस आपको बनाया जाता है और फिर उस ग्रीन हाउस के अंदर यहाँ पे प्लांटेशन की जाती है ठीक है और वो ग्रीन हाउस के ऊपर वो ग्रीन हाउस के पैक्ड रहता है ग्लास से तो क्यों बनाया जाता है क्योंकि उसकी उसके अंदर जो थोड़ी क्योंकि वहाँ पे बहुत कम गर्मी पड़ती है बहुत कम सन रेज आती हैं और जितनी भी सन रेज आती हैं वो इसके अंदर एंट्री कर जाए और एंट्री करने के बाद में वो अंदर अपनी हीट को बनाए रखे ग्लास के अंदर एंट्री तो कर जाती है सन रे लेकिन जो हीट अंदर गई है उसको रिलीज़ होने में काफ़ी दिन लग जाते हैं आराम से आपको पता है कि किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाया जाता है छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा बनाया जाता है जिसके अंदर पूरा प्लांटेशन होता है और वो जो सनराइज़ होती है वो एंट्री करती है उस ग्लास के थ्रू और अंदर हीट को मेनटेन करके रखती है काफ़ी दिन तक और इस फिनोमिना को इस छोटे से घर को बोलते हैं ग्रीन हाउस और इसी फिनोमिना पे ये चीज़ आपकी होती थी ठीक है इसी फिनोमिना पे ये चीज़ आपकी होती थी ये चीज़ इसलिए इससे इसको रिलेट करके नाम रख दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि अच्छा नहीं है अर्थ के लिए अच्छा नहीं है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी गैसेस होती है जो ग्रीन हाउस के लिए इफेक्टेड होती है तो मेजर जो गैस होती है वो होती है आपकी सी याद रखना है सी इज़ अ गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट और द ग्लोबल वार्मिंग और द लेयर बनाने के लिए लेयर बना देती है ठीक है याद रखना है, ये गैसेस होती हैं लेट्स मूव फर्दर ओजोन लेयर आपने सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में तो सबसे पहले हम ओजोन के बारे में देखेंगे उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे यहाँ ई आएगा यार है ना टाइपिंग मिस्टेक लिटिल विट ओके ओजोन लेयर क्या होती है देखो ओजोन का मतलब क्या होता है ओजोन क्या है ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो कि ओ थ्री होता है ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स को मिला दूँ तो ओजोन बोलते हैं हम ठीक है समझ आ गया ओजोन इस तरीके से इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है ये करता है क्या है ये अच्छा होता है कि बुरा होता है इसकी ना एक हमारे एटमोसफेयर में लेयर बनी हुई है कहाँ पर आपके ट्रोपोस्पेयर ट्रोपोस्पेयर और स्ट्रेटोस्पेयर के बीच में लेयर बनी हुई है एक ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है दिस लेयर इज मेड अप फ्रॉम मेड अप ऑफ ओजोन ओजोन मतलब ओ थ्री से बनी हुई है इस तरीके से एक लेयर बनी हुई है काम क्या करता है ये ओजोन देखिए जो सन से आने वाली अल्ट्रा अल्ट्रावायोलेट जो कि हमारी स्किन के लिए हमारी आइज़ के लिए अच्छी नहीं है उनको आने नहीं देता उनको फिल्टर करके फिर आने देता है मतलब कि उनको रोक देता है लेकिन अभी ओजोन लेयर का क्या हो रहा है डिप्लीशन हो रहा है डिप्लीशन क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन आता है तो हमारी अर्थ के ऊपर हम ऐसी गैसेस का यूज़ कर रहे हैं जो कि ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही हैं तोड़ रही है कौन सी गैसेस होती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोबन ठीक है एज सी एफ सी एस एस सी एफ सी एस वी ओ सी एस ये ऐसी गैसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन कर रही हैं ऊपर ये हल्की भी होती हैं और ये ऊपर जाके ओजोन लेयर से मतलब ओ थ्री से रिएक्ट करती हैं ओ थ्री से वो रिएक्ट करेंगे जैसे सी एफ सी एस ने रिएक्ट किया तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका ओ टू प्लस ओ में जो कि आपका डिप्लीशन कर देगा ओ थ्री का तो इस तरीके से ये ब्रेक डाउन कर देगा आपके ओजोन को तो ओजोन ले डिप्लीट हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट के अंदर अल्ट्रा वायल रेस आ रही है और जो कि हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करती है अब दिमाग में आना चाहिए कि यार सी एफ सी एस क्रिएट आता कहाँ से है ये गैस तो जितना भी आपकी रेफ्रिजरेटर होता है जैसे फ्रिज हो गया एयर कंडीशनर हो गया उनके अंदर जो गैसेस फिल्ड होती है ना आप तो वो जो गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जैसे कि आपने फ्रिज के अंदर एक पीछे एक ऐसे केबल देखी होगी ऐसे एक केबल देखी होगी और एक नीचे कंप्रेशर देखा होगा तो जो केबल होती है ना और जो कंप्रेशर होता है वो कंप्रेस करता है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जिसकी वजह से ये आप बोल सकते हो कि ठंडा रखने के लिए हेल्प करती है अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं बस इतना याद रखना है कि ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ करी जाती थी अभी इस पर बैन लगा दिया है तो इस तरीके से ये ऐसी ले ऐसी गैसेज होती है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है ईजिली नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकल्स के बारे में पहला है आपका ऑक्सीजन साइकिल कि ऑक्सीजन किस तरीके से घूमती है आपके एनवायरमेंट में तो सबसे इजी साइकिल आप बोल सकते हो इसको देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन जनरेट कहाँ से होता है ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होता है Osionfish. तो प्लांट से ऑक्सीजन जनरेट होता है रिलीज होता है इसके बाद में ऑक्सीजन कहाँ जाता है आपने प्लांट ने किया जनरेट किया उसके बाद में ये चला गया आपके एटमॉस्फेयर में ठीक है ऑक्सीजन कहाँ चला गया एटमॉस्फेयर में ठीक है अब एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में एनिमल्स इसको इन्हल करते हैं मतलब कि श्वास के फॉर्म में अंदर लेते हैं उसके बाद में क्या होगा जो एनिमल्स होते हैं जैसे हम और आप लोग वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एक्जेल करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट दोबारा से अपने अंदर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं फिर दोबारा से कौन रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं इस तरीके से ऑक्सीजन की साइकिल आपके एटमॉस्फेयर में चलती रहती, चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है तो समझना है प्लांट क्रिएट करते हैं एयर में जाता है तो एनिमल्स लेते हैं और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसको फिर से प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं फिर से एटमोस्फेयर में आती है इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये आपका ऑक्सीजन साइकिल आपके एनवायरमेंट में चलता रहता है तो दिस इज द ऑक्सीजन साइकिल नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन किस तरीके से आपके एनवायरमेंट में चक्कर लगाती है किस तरीके से काम करती है नाइट्रोजन सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन नाइट्रोजन से आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है सेवेंटी परसेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन जो हवा में प्रेजेंट है वो उसका क्या होता है देखिए हवा में प्रेजेंट नाइट्रोजन बिजली चमकने की वजह से थंडर स्ट्रॉम की वजह से ध्यान से बिजली के चमकने की वजह से आपके मतलब कि सॉइल में आके ये मिल जाती है या बोल दो बारिश के थ्रू देखो ज, ज, जैसे बिजली चमकी और बारिश हुई दोनों काम हुए तो प्रेजेंट जो आपके एनवायरमेंट प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो आएगी बारिश के साथ में और आपके सॉइल में मिल जाएगी सॉइल तक पहुंच जाएगी और वहाँ पे सॉइल के अंदर आपके क्या होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेते हैं नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेते हैं और जो नाइट्रोजन आई थी उसको हाइड्रोजन से मिला देते हैं और एन बना देते हैं उसके बाद में क्या होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज का मतलब क्या है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज जो इसको खुद फूड की तरह कंज्यूम करते हैं अगर नाइट्रीफाइंग है तो या तो वो उन, इनको क्या बना देंगे एनओ थ्री बना देंगे ठीक है या फिर क्या बना देंगे या फिर एनओ टू बना देंगे इस तरीके से या बोल दो कि एनओ थ्री ही बनाते हैं ये इस तरीके से आपको सिर्फ याद रखना है कि एनओ थ्री बना देते हैं इनको उसके बाद में एनओ थ्री से एनओ थ्री से क्या होता है नाइट्रोजन का क्या होता है तो दो तरी दो चीज़ें हो सकती है या तो एनोथ्री जो है वो प्लांट्स के रूट के थ्रू प्लांट में जा सकता है प्लांट को भी तो नाइट्रोजन की जरूरत होती है अगर वो प्लांट के अंदर नहीं जाता है प्लांट उसको कंज्यूम नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो डी करते हैं मतलब कि ऐसे बैक्टीरियाज जो डी का मतलब है कि एनोथ्री को कंज्यूम करके उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया इसको फूड की फॉर्म में लेते हैं एनोथ्री को और दोबारा से नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं ठीक है तो ये तो एक साइकल होगी अगर प्लांट ने कंज्यूम कर लिया तो प्लांट को एनिमल्स हम और आप लोग या कोई भी एनिमल इसको कंज्यूम करेगा और जब इसको कंज्यूम करेगा तो अपने एक्सक्रीटा यू यूरिन या फिर उसके स्टूल के फॉर्म में वो यूरिन की फॉर्म में भी हम नाइट्रोजन निकालते स्टूल की फॉर्म में भी हम नाइट्रोजन निकालते हैं और वो नाइट्रोजन दोबारा से आपके सॉइल में चला जाएगा और दोबारा से वो यहां पे इस साइकिल के अंदर पहुंच जाएगा एनओ एन एच फोर और एनओ टू उसके बाद में नाइट्रिफिकेशन फिर एनओ थ्री हो सकता है वापस प्लांट में चला जाए हो सकता है दोबारा से डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए तो यहाँ पे दो साइकिल आपकी नाइट्रोजन की बनती है या तो एनिमल इसमें इंक्लूड हो जाए प्लांट एनिमल अगर नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही इसके साइकिल को चलाते रहते हैं अगर प्लांट और एनिमल इस साइकिल के अंदर इंक्लूड होंगे तो याद रखना है कि ये क्या होगा पहले प्लांट के द्वारा एसिमुलेट होगा या एसिमुलेशन होगा इसका फिर प्लांट को एनिमल कंज्यूम करेंगे देन एनिमल से कहां जाएगा ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास में जाएगा तो इस तरीके से दो तरीके की साइकिल यहां पर चलती है तो नाइट्रोजन साइकिल आपको याद रखनी है और नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करती है उसको भी आपको याद रखना है लेट्स मूव फर्दर ओके कार्बन साइकिल वेरी इजी साइकिल आप ऐसे बोल सकते हो बहुत इजी साइकिल है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सीओ टू ठीक है सीओ टू जो कि कहां से आई एनिमल्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सल के थ्रू बाहर निकाली अब यहाँ पे सी ओ टू आ गया एनवायरमेंट में उसको कौन ले सकता है कहाँ कहाँ जा सकती है सबसे पहले वो जाएगी वो जाएगी यहाँ पे याद रखना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको वन पॉइंट दे दो यहाँ से वो जाएगी प्लांट्स के पास में प्लांट इसको कंज्यूम करेंगे प्लांट ने कंज्यूम किया अब प्लांट हो, हो सकता है प्लांट सड़ जाए गल जाए ड हो जाए मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म की, की फॉर्म में बन जाए तो डेड ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में अगर बन गया तो दो कंडीशन हो सकती है या तो ये वापस से एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज इसको वापस एनवायरनमेंट में ला देंगे अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया तो क्या बन जाएगा फॉसिल फ्यूल बन जाएगा ये प्लांट और कहाँ चला जाएगा फैक्ट्रीज़ में चला जाएगा फैक्ट्रीज़ में इनका वो क्या होगा रिफाइनरी सिस्टम क्रिएट होगा और ये क्या बनेंगे ये फ्यूल बनेंगे और फ्यूल बन के दोबारा से एनवायरमेंट में आ जाएंगे तो इस तरीके से ये दो यहाँ पर भी दो साइकिल चल रही हैं ठीक है थीके? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है तो देखिए ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है प्लांट्स के अंदर नहीं आया तो जो एनिमल है वो एक्सेल करता है सी टू और एनिमल के एक्सेल किए CO2 कहां टू कहाँ कहाँ जा सकता है प्लांट के अंदर जा सकता है इस तरीके से ये दो तरीके की साइकिल चलती है आपको याद रखना है ये साइकिल इस यहाँ से नंबर वन याद रखना है प्लांट्स के अंदर जाएगा प्लांट डिके हो जाएगा और डिके होकर बैक्टीरियाज वापस इसको एनवायरनमेंट में दे, दे देंगे या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया प्लांट सड़ गया गल गया फॉसिल फ्यूल बन गया तो वो दोबारा से वो फैक्ट्रीज के अंदर रिफाइन होने के लिए या फ्यूल बनने के लिए चला जाएगा और फ्यूल बन के दोबारा से, से मोटर व्हीकल्स के थ्रू आपके एनवायरमेंट में आ जाएगा तो इसको बोलते हैं कार्बन साइकिल तो ये आपको याद रखना है कार्बन साइकिल कैसे काम करता है नेक्स्ट इज द वाटर साइकिल वेरी इजी देखो वाटर साइकिल का मतलब है वाटर का एनवायरनमेंट में चक्कर लगाना कहाँ से स्टार्ट करूँ या इसका करता हूँ इवेपोरेशन से वाटर है वो इवेपोरेट होगा इवेपोरेशन का मतलब है कि सनलाइट जो होती है वो वाटर को क्या बनाएगी स्टीम uh, बना देगी बोल दो कि इवेपोरेट कर देगी उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी और वो इवेपोरेट होकर एनवायरमेंट में चला जाएगा और एनवायरमेंट में बहुत सारा वाटर आ गया तो इकट्ठा होकर इसका क्या होगा कंडेंसेशन होगा बोल दो कि बादलों की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और बादल जो होंगे मतलब कंडेंसेशन का मतलब होता है कि, कि किसी भी गैसियस फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में बनना कंडेंसेशन होने के बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बादल और बादल मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे और फिर टकराएंगे टकराने के बाद में क्या होगा प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन मतलब बादलों से पानी की बूंदें टपकना मतलब बादलों का वो बारिश में या फिर बोल दो रेन में कन्वर्ट होना अगर वो पानी आ गया आपका किसी भी प्लेस पे वो धीरे धीरे कलेक्ट होगा और कलेक्ट होकर एक पर्टिकुलर रिजर्वर में आएगा और वापस से इसका क्या होगा इवेपोरेशन होगा इस तरीके से ये एक साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी तो दिस इज द वाटर साइकिल जो आपको याद रखनी है ये तो हो गया पूरा आपका वाटर वगैरह अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की जो कि लैंड पे मिलती है है ना ये भी एक क्या है नेचुरल रिसोर्स ही है सॉइल क्या करता है सॉइल करता है क्या है देखो सॉइल नहीं होगी तो आपका फूड का कोई भी प्लांट कोई भी फ्रूट का कोई भी वेजिटेबल का प्लांट ग्रो नहीं कर सकेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ सॉइल इज नथिंग बट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रॉक मतलब कि रॉक के छोटे 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 पार्टिकल्स कर दो उसको ही हम क्या बोलते हैं सॉइल बोलते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल एक रॉक है बहुत बड़ी सी उसके ऊपर क्या होता है वेदरिंग होती है उसकी एयर के थ्रू वाटर के थ्रू या सनलाइट के थ्रू या माइक्रो बैक्टीरियाज के थ्रू और वो जो रॉक होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उसी से ही बनती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉयल अगर सॉइल से दोबारा रॉक बननी है तो इसका सेडिमेंटेशन होगा सेडिमेंटेशन मतलब कि ये जमेगी ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जमेगी और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये जो साइकिल है वो सॉइल के बनने और बिगड़ने की पूरी साइकिल है तो सॉइल का फॉर्मेशन हो गया अब हम पढ़ेंगे सॉइल के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स के बारे में देखिए सॉइल के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स फाउंड होते हैं जैसे आयरन होता है पोटेशियम होता है मैग्नीशियम होता है कैल्शियम होता है सल्फर होते हैं जो कि ज़रूरी होता है किसी भी एक प्लांट के लिए प्लांट को ग्रो होने के लिए जरूरी होते हैं अगर ये प्रेजेंट नहीं होते सॉयल मिनरल्स तो हमें इन इनको आर्टिफिशियली देना पड़ता है मतलब कि ऊपर से डालना पड़ता है प्लांट के लिए ये फूड की तरह काम करते हैं किसी भी प्लांट में तो याद रखना है ये आपका कंप्लीट चैप्टर है प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी इसकी चैप्टर की नीड है प्लीज़ शेयर विद दैम और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताएं थैंक यू वेरी मच और प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएं Thank you.